नमस्कार, मैं पूंजी और एचपीएल न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ हेडलाइंस से। सर्वदलीय शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत भाजपा नेता सह पेट्रोल पंप संचालक को दी गई श्रद्धांजलि। भारत के आजादी आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। महुआ के डीडी पब्लिक स्कूल के 5वें सालगिरह के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ज्ञान सरोवर स्कूल के बच्चों के साथ क्विज प्रतियोगिता कराई गई। 11 बजे के आसपास पैरा रखने गए, उस दौरान दोनों व्यक्तियों को जंगली सुअर ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। खंडवा सांसद माननीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कलेक्टर का घेराव किया गया एवं धरना प्रदर्शन किया गया। अब खबरें विस्तार से। सर्वदलीय शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत भाजपा नेता सह पेट्रोल पंप संचालक को दी गई श्रद्धांजलि। महुआ के सदापुर गांव निवासी दिवंगत पेट्रोल पंप संचालक सह युवा भाजपा नेता मनोरंजन मिश्रा की सड़क दुर्घटना में हुए आकस्मिक निधन पर आज बुधवार को सर्वदलीय शोक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर महुआ के अनेक पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, पत्रकार एवं पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। भारत के आजादी आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसा ओजस्वी नारा देने वाले तथा आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती नवसृजित प्राथमिक विद्यालय शर्मा के प्रांगण में धूमधाम से मनाई गई। महुआ के डीडी पब्लिक स्कूल के 5वां सालगिरह के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ज्ञान सरोवर स्कूल के बच्चों के साथ क्विज प्रतियोगिता कराई गई। महुआ के डीडी पब्लिक स्कूल के 5वें सालगिरह के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ज्ञान सरोवर स्कूल के बच्चों के साथ क्विज प्रतियोगिता कराई गई। वहीं डीडी पब्लिक स्कूल के एमडी अभिमन्यु यादव एवं फाउंडर रक्टू राय जी के हाथों विजेता के विजय ट्रॉफी दी गई। साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर अभिभावकों का मन मोह लिया। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गांव के हालात से लेकर किसानों के भरोसे तक, गांव के विकास से लेकर खेतों की खुशबू तक, गांव के प्रधानों से करेंगे बात, गांव गांव तक पहुंचेंगे हम, हर खबर दिखाएंगे हम, हकीकत गांव की। जल्द आ रहा है एचबीएन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एचबीएन न्यूज चैनल में। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। 11 बजे के आसपास पैरा रखने गए, उस दौरान दोनों व्यक्तियों को जंगली सुअर ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से 7 किलोमीटर दूर ग्राम पनिया जोप के घने जंगल में दो व्यक्ति अपने खेत के कोठार में आज 11 बजे के आसपास पैरा रखने गए, उस दौरान दोनों व्यक्तियों को जंगली सुअर ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। इस घटना की खबर ग्रामीणों को लगते ही ग्रामीणों ने इस घटना की खबर जनपद सदस्य मनोज नेताम को दी, जिसके बाद मनोज नेताम ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही तत्काल उत्तर वन परिक्षेत्र के रेंजर पवन कुमार सहारे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों व्यक्तियों को अपनी गाड़ियों में लेकर सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ पहुंचाया और दोनों को भर्ती कराया। खंडवा सांसद माननीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कलेक्टर का घेराव किया गया एवं धरना प्रदर्शन किया गया। आज खंडवा में दीनदयाल उपाध्याय चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन एवं कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। भाजपा विमुक्त घुमक्कड़ जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेश राठौर ने बताया कि खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पिछले दिनों राजगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था। वहां के कलेक्टर एवं एसडीएम ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की एवं कानून को अपने हाथ में लिया। ईईसी के खिलाफ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा धरना आंदोलन किया जा रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।